हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेरे पास खड़ी हुई है KTM की ड्यूक 250 और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस बाइक के सारे प्रोस सारे कॉन्स एक ही वीडियो में। अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आपका डिसीजन इस वीडियो को देखने के बाद और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये वाली जो बाइक है ड्यूक्स में से मेरी फेवरेट है। अगर मेरे को किसी को ड्यूक रिकमेंड करनी होती है तो मैं उसको सबसे पहले यही ड्यूक रिकमेंड करता हूँ। ड्यूक 390 मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ड्यूक 200 भी मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो क्यों मेरे को ये बाइक इतनी ज़्यादा पसंद है और क्या कमियाँ हैं जिसके बाद भी मेरे को ये बाइक पसंद है, आज उनकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। ओके गाइस, तो सबसे पहले सबसे बड़ा प्रो जो इस बाइक का है वो ये है कि इसका जो टैंक है 15 लीटर्स का आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रेंज आपको मिल जाती है। क्योंकि 15 लीटर्स का टैंक आप कहीं पर भी ले जा सकते हो और इसका माइलेज आप अच्छा खासा निकाल सकते हो। 31-34 तक का भी माइलेज आप इस बाइक के साथ निकाल सकते हो अगर आप इसको सेंसिबली चलाओ। ड्यूक है, भगाने में मज़ा आता है तो इसका माइलेज तो ड्रॉप हो ही जाता है यार, लेकिन अगर आप इसको सेंसिबली चलाओगे तो डेफिनेटली आप इससे अच्छा खासा माइलेज निकाल सकते हो। और 15 लीटर्स का टैंक आपको एक अच्छा सा पीस ऑफ माइंड दे देता है। अगर आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पर लेकर जा रहे हो तो आपको ये नहीं रहेगा कि यार अभी बाइक रिफ्यूल करानी है, अगला फ्यूल स्टेशन कितनी दूरी पर है। तो वो एक मेजर प्रो है यार इस बाइक के साथ कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई अभी मेरी बाइक में पेट्रोल कितना है और ये चलेगी या नहीं। ओके गाइस, तो सेकंड प्रो की बात करी जाए यार, तो सेकंड प्रो इस बाइक में आ जाता है और ये चीज़ हमेशा KTM की ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में रहती है कि यार उनका इक्विपमेंट जो होता है ना बाइक में, जो भी वो लोग ऑफर करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली टॉप नॉच। कोई भी ऐसी सब पार चीज़ उनकी बाइक में नहीं मिलती आपको। जैसे कि अभी इधर ही अगर हम देखें, इधर आकर दिखाओ भैया एक बार, तो इनकी आवाज़ वगैरह सुनाओ, थोड़ी सी क्लिक्स वगैरह आपको सुनाई दे रहे होंगे इनके, कितने ज़्यादा अमेजिंग क्लिक्स हैं यार। एक एक बटन की फील आपको अच्छे से फील होने वाली है कि आप क्या प्रेस कर रहे हो, कहाँ पर प्रेस कर रहे हो और उसका जो एक्शन हो रहा है वो क्या है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक और प्रो हो जाता है, जो वो है इसका जो फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको स्विचेबल ABS मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं आता है, इसकी वो बड़ी बहन आती है ड्यूक 390 उसमें आता है, सॉरी। तो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है, क्विक शिफ्टर आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्विक शिफ्टर इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त क्विक शिफ्टर है। मेरे ओपिनियन में इसका जो क्विक शिफ्टर है वो ड्यूक 390 से भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि 390 का जो क्विक शिफ्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्नैपी सा है। ये वाला जो क्विक शिफ्टर है इट इज़ अ बिट मोर क्या कहते हैं उसे, अ बिट मोर श्योर अबाउट इट सेल्फ। नेक्स्ट प्रो की बात करते हैं वो ये है कि अब जो नए वाले वेरियंट्स आए हैं उसमें और जो ड्यूक 390 पहले से चली आ रही है उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है। वही सेम DRLs आपको मिल जाती हैं अब उस वाली बाइक में भी। ये वाला तो पुराना वेरिएंट है, इसमें आपको DRLs वगैरह नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पर जो DRLs वगैरह दी गई हैं वो सेम एज ड्यूक 390 दे दी गई हैं। इक्विपमेंट आपको यहाँ पर तो सेम ही मिल रहा है, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसकी जो TFT डैश है वो भी अब एग्जैक्टली सेम आपको वहाँ पर मिल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिमिलर मिल जाती हैं आपको, जिसकी वजह से बाइक की जो कॉस्ट है थोड़ी सी बढ़ गई होगी मे बी, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। क्योंकि यार पहले लोगों को लगता था कि यार मेरे को TFT डैश चाहिए, इसकी वजह से ड्यूक की 390 की तरफ जाओ, तो यार जो डैश था वो ऑनेस्टली इतना ज़्यादा पसंद मेरे को नहीं है। वो भी एक कौन है आगे चल के मैं बताने वाला हूँ आपको क्यों। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई है ड्यूक 250 की, जो अपग्रेड आया है ड्यूक 250 में, उसने इस बाइक को और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बना दिया है मेरे ओपिनियन में। ओके गाइस, तो एक और प्रो की बात करते हैं यार इस बाइक के साथ, जो आपको मिल रहा है इसकी क्लच फीलिंग। तो जैसे कि इस बाइक को बहुत ज़्यादा सिटी ओरिएंटेड रखा गया है, सिटी में चलाने के लिए इस बाइक को बनाया गया है या फिर ट्रैक पर चलाने के लिए बनाया गया है, यहाँ पर आपको जो क्लच मिल रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इस क्लच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील है और इतना ज़्यादा लाइट क्लच है कि यार इसको आप एकदम मस्त ऐसे करके ऑपरेट कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को इस बाइक के साथ कि आप अगर इसको लॉन्ग पीरियड्स के लिए भी चलाओगे तो एटलीस्ट आपके हाथ तो में तो दर्द नहीं होने वाला है, और कहीं दर्द होगा वो मैं आपको कौन से बताऊंगा। बाकी हाथ का तो निश्चिंत हो जाओ कि हाथ में आपको दर्द नहीं होने वाला है। और इवन इसकी जो ग्रिप्स वगैरह है यार, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, KTM वाले बहुत अच्छा इक्विपमेंट ऑफर करते हैं, इसकी ग्रिप्स और एक एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है इस बाइक में। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रो की बात करते हैं यार, वो है इसकी परफॉर्मेंस एंड डायनेमिक्स। तो परफॉर्मेंस में आपको पता ही ड्यूक्स की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक होती है। और एक और जो अच्छी चीज़ लगती है मेरे को ड्यूक 250 के साथ, जो बाकी ड्यूक्स में नहीं है, वो है कि एक लीनियर पावर डिलीवरी आपको मिलती है इस बाइक के साथ। क्योंकि जो ड्यूक 200 है और ड्यूक 390 है वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा लीनियर पावर डिलीवरी नहीं मिलती है। उसमें ना ऐसा लगता है कि एक बाइक मिशन पर है यार, कि उसको तेज़ भागना है। ये वाली बाइक थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्स है, थोड़ी सी ज़्यादा कंपोज है, आराम से चलती है, लेकिन पावर बहुत है, अच्छे से भागती है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इसकी जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिलैक्स है, जो मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है। मे बी अगर आप एक बिगिनर हो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर आप ड्यूक 390 की तरफ जा रहे हो तो एक बार ड्यूक 250 को चला कर देखो, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
ड्यूक 200 की तरफ जा रहे हो तो भी आपको ड्यूक 250 की तरफ जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी पावर अपग्रेड हो जाएगी, ज़्यादा बेटर बाइक मिलेगी, ओवरऑल जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड मिलेगा। ये वाला जो फ्रेम है ये नया है इस बाइक के साथ। और एक और प्रो जो है वो ये है कि यार नए वाले फ्रेम्स में आपको सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेसिबल मिलती है, क्योंकि पुराने वाले जो फ्रेम्स थे ड्यूक 200 में जो अभी यूज़ हो रहा है, 390 में नया फ्रेम आ गया है, ये वाला जो फ्रेम है नया वाला जिसमें साइड में आपको शॉक अब्जॉर्बर मिलता है साइड वाला माउंटेड, तो नए वाले फ्रेम्स में इसकी जो सीट हाइट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है। मेरे लिए तो ऐसा कोई दिक्कत रहती नहीं है किसी भी बाइक पर, बट यार देखो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक रहने वाली है किसी के लिए भी। अगर मेरे पैरों बैठ है, मेरी हाइट है 6 फीट, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर आपको जो सीट हाइट है वो मिल रही है और बहुत अच्छी मैनूवरेबिलिटी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये वाला शब्द मेरे को बोलने में हमेशा दिक्कत होती है, मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ मेरे से नहीं बोला जाता है। दूसरा जो बात हम करने वाले थे वो है इसकी लाइट वेट की, क्योंकि अगर आप एक बाइक ले रहे हो यार तो आपको कभी कभी उसको धक्का भी मारना पड़ सकता है, मान लो अंदर करनी है या फिर पार्किंग में लगानी है, वहाँ पर भी ये बाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंगली शाइन करती है, एकदम लाइट बाइक है। इवन ड्यूक 390 थोड़ी सी हैवी हो जाती है, ये वाली जो बाइक है इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ज़्यादा लाइट लगती है, आगे पीछे एकदम ईजिली आप इसको मैनूवर कर सकते हो। ये वाली बात क्यों अच्छी हो जाती है, बिकॉज इसकी वजह से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। अगर आप इसको कॉर्नर्स में लीन कर रहे हो या सस्पेंशन वगैरह की बात करो तो भी ये बाइक इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, सस्पेंशन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो फाइनल प्रो जो मेरे को इस बाइक के साथ लगा है वो है इसकी ब्रेकिंग। यहाँ पर आपको जो ब्रेकिंग मिल रही है इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, KTM बहुत अच्छे से ब्रेकिंग को ट्यून करता है यार अपनी। और यहाँ पर जो आपको ब्रेक्स दिए गए हैं वो रेडियल कैलिपर्स दिए गए हैं, आगे बाइब्रे की तरफ से आ रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा फील एंड फीडबैक आपको मिलता है। ABS इतना इंट्रूसिव नहीं लगा है मेरे को कभी भी, जब मैं इसको राइड कर रहा था ABS ऐसा लग रहा था कि यार हाँ अपने टाइम पर आ रहा है आपको बचाने, पीछे वाला ABS थोड़ा सा हाँ किक इन कर लेता है क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पोर्ट्स बाइक है ये, तो क्योंकि इसका जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रंट हैवी रहता है, पीछे वाला टायर ईजिली उठ सकता है, तो पीछे वाला टायर जो होता है ना वो यूजुअली स्पोर्ट्स बाइक में जल्दी ग्रिप छोड़ता है, जिसकी वजह से ABS जल्दी किक इन करने लग जाता है। तो ये वाली एक चीज़ है यार इस बाइक के साथ जो आपको थोड़ी सी बेटर लगने वाली है कि आपका जो ब्रेकिंग है इसमें एब्सोल्युटली सॉर्टेड है, ABS की ट्यूनिंग एब्सोल्युटली बढ़िया है। ओके, तो अभी मैंने बहुत सारी तारीफ कर दी है यार इस बाइक की, और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी फेवरेट बाइक है अगर ड्यूक्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली मैं इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कर सकता हूँ, लेकिन अभी बात करने का टाइम आ गया है इसके कॉन्स की। ओके, तो कॉन्स में अगर बात करी जाए तो सबसे पहला कॉन जो मेरे को इस बाइक में दिख रहा है वो है इसकी डिजिटल डिस्प्ले। तो डिजिटल डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर मिल रही है वो मेरे को इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती है यार, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलती है इट इज़ डिसेंट, काम चल जाता है वो वाली चीज़ है, लेकिन धूप वगैरह में जब आपके पीछे से धूप पड़ती है तो वो आपको देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर सकती है किसी किसी के लिए। और इतनी ज़्यादा फ्लैशी तो लगती नहीं है ऑब्वियसली, अगर किसी को शो करना है, मेरे को शो ऑफ करने का इतना शौक नहीं है डिस्प्ले वगैरह का, लेकिन अगर किसी को है तो उसको थोड़ा सा एक लग सकता है कि यार ये बड़ी बेसिक सी डिस्प्ले लग रही है मेरे को, तो वो वाली एक चीज़ है यार इसमें कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। अब दूसरी चीज़ के लिए मैं आपको बाइक पर बैठ कर दिखाता हूँ। अब मेरी हाइट है 6 फीट, अब मैं इसको चलाऊँगा तो ऐसे करके चलाऊँगा राइट। इसकी एक जो कॉन मेरे को लगी है ये मेरे को सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग कॉन लगता है इस बाइक के साथ। इस बाइक में बहुत सारी बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी फेवरेट है, लेकिन इसमें एक ये जो कॉन है ना इसको फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है मेरे को, वो ये है कि यहाँ पर आपका जो TFT डिस्प्ले है, अगर मेरी हाइट ज़्यादा है और मैं ऐसे करके चला रहा हूँ ये आउट ऑफ साइट है, मेरे को ये दिख ही नहीं सकता, मेरे को ये बिल्कुल नहीं दिखेगा जब तक मैं अपना मुंडी ऐसे नीचे नहीं करूँगा, तो समझ रहे हो। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यार इस बाइक के साथ कि ये वाला जो ऐसा है ना, ये वाला जो डिस्प्ले वगैरह है और आपकी जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक चला रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फीलिंग आती है। तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट बाइक चाहिए तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार मेरे को कम से कम अपना डिस्प्ले तो दिखे, तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगने वाली है इसके साथ कि आपको डिस्प्ले नहीं दिखने वाली है अपनी अगर आप ऐसे सीधा सामने देख के चलाने वाले हो तो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक थोड़ी सी इरिटेटिंग चीज़ लगती है मेरे को इस बाइक के साथ, बाकी ऐसे कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत ज़्यादा चलाओगे तो आदत हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनोइंग लगता है मेरे को पर्सनल चॉइस वाली बात है ये जो मेरे को थोड़ा सा अनोइंग लगता है इस बाइक के साथ। ओके गाइस, तो एक जो कॉन है यार इस बाइक के साथ इंजन रिलेटेड वो है इसकी हीटिंग। तो हीटिंग आपको इस इंजन के साथ अच्छी खासी फील होने वाली है जब भी आप इसको चलाओगे, सिटी में अच्छी खासी हीट हो जाती है, 31 BHP की पावर मिल रही है, 25 Nm का टॉर्क आपको मिल रहा है, रेव हैप्पी इंजन है, तो आप इसको रेव आउट करने वाले हो, कितना भी रोक लो बहुत मज़ा आता है इसको रेव आउट करने में,
और रेव आउट आप इसको करोगे तो ये एक चीज़ हो जाती है यार इस इंजन के साथ कि आपको थोड़ा सा रेव आउट करने में मज़ा आता है, तो आप इसको रेव आउट करते रहते हो और फिर जब आप इसको सिटी में अगर एक बार रुक जाते हो ना, ट्रैफिक में फंस जाओगे, तो आपको हीटिंग अच्छे से फील होने वाली है, क्योंकि आपका जो फुटपैक्स वगैरह हैं वो इंजन के पास ही हैं ऑब्वियसली। तो जब रेडिएटर चलता है तो अच्छी खासी हीटिंग वो आपके पैरों पर फेंक सकता है, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ बिट ऑफ अ कॉन मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट कॉन की बात करते हैं यार। तो नेक्स्ट कॉन जो आपका आ जाता है, आगे आ जाओ, तो नेक्स्ट कॉन जो आपका इस बाइक के साथ आ जाता है वो है इसकी सीटिंग। तो सीट जो है यहाँ पर आपको कंफर्टेबल नहीं मिलती है बिल्कुल भी। अगर आप इस बाइक से लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करने का प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कैपेबल है, इंजन वाइज इक्विपमेंट वाइज इस बाइक में कोई कमी नहीं है। एक जो कमी है वो है इसकी सीट। सीट बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है राइडर के लिए भी, और पिलियन के लिए तो बात ही मत करो भाई, बहुत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये सीट जो है वो ऐसी थोड़ी सी स्पोर्ट ओरिएंटेड दी गई हैं। ये ऐसी सीट्स नहीं है कि आप इस पर लॉन्ग डिस्टेंस जा सको, सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा लगता है कि यार आप एकदम फट्टे पे बैठे हुए। तो वो वाली एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ी सी अनाइंग लगती है इस बाइक के साथ, कि सीट को थोड़ा सा ज़्यादा कुशनिंग दे सकते थे, या फिर आप ऐसा करो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी ही है तो आप सीट पे थोड़ा सा काम आपको बाहर से करवाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ है जो मेरे को इस बाइक के साथ लगती है थोड़ी सी अनाइंग। तो नेक्स्ट कॉन की बात करते हैं यार। तो नेक्स्ट कॉन इस बाइक में है कि इसमें आपको जो वाइब्रेशन मिलती है वो थ्रू आउट द रेव रेंज रहती हैं। हाँ, ये है कि जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो इसकी वाइब्रेशन को ओवरशैडो कर देती है। जैसे कि अभी हमारे गुरविंदर भैया ने चलाई थी बाइक, तो वो भी यही कह रहे थे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसकी वाइब्रेशन वगैरह को ओवरशैडो कर देती है। ट्रेलिस फ्रेम आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो उसमें जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ी बहुत ट्रांसलेट हमेशा होती हैं, क्योंकि जो फ्रेम होता है वो डायरेक्टली माउंटेड होता है इंजन पे, इंजन एक स्ट्रेस्ड मेंबर होता है, तो वाइब्रेशंस वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती हैं इस वाले कंस्ट्रक्शन में। तो ठीक है, वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अनॉय करते, लेकिन हाँ, अगर 6000 से ऊपर रेव आउट करोगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो आपको वाइब्रेशंस का पता चलने लगेगा। और फिर कभी कभी ना क्या होता है कि जब आप रुकते हो, मतलब चलते चलते बाइक की जो वाइब्रेशन होती है वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, फिर जब थोड़ा सा रुकते हो ना रेस्ट के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन चलाने के बाद, तो आपके हाथों में झंझनाहट होती है, तो वो वाली वाइब्रेशन आपको इस वाली बाइक में फील होने वाली है। तो ये एक चीज़ है यार जो इस बाइक के साथ थोड़ी सी अनॉइंग लग सकती है, किसी किसी को थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। ओए गाइस, तो एक और कॉन की बात करते हैं यार। तो वो है पिलियन डिस्कम्फर्ट। इस पर आप अपनी मम्मी या फिर पापा या फिर भाई को भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठा सकते हो, गर्लफ्रेंड में भी बैठ जाए लेकिन वो भी ज़्यादा देर नहीं बैठेगी। तो वो एक प्रॉब्लम है यार इस बाइक के साथ कि इसमें पिलियन डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है। अब इतना नहीं है जितना R15 वगैरह जैसी बाइक्स में रहता है, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, वो एकदम सुपर स्पोर्ट्स में आ जाती है। ये वाली जो बाइक है इस पे भी आपको पिलियन डिस्कम्फर्ट जो है ना वो डेफिनेटली फील होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि सीट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। ओए गाइस, तो मैंने आपको बता दिए हैं बहुत सारे प्रोज बहुत सारे कॉन्स, साइड में आपके लिखकर आ गए होंगे। बताओ मेरे को कैसी लगी है आपको ये वीडियो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस बाइक के बारे में। कुछ भी मेरे से रह गया हो तो आप डेफिनेटली मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हो गाइस। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।